पुराने अंदाज में लगाई छलांग, ऊपर देख हवा में लहराया बल्ला, लंका के खिलाफ शतक लगाकर मचाया हल्ला। बाबा नीम करौली गए, वृंदावन गए, उसके बाद मैदान पर लौटे, ऐसी शक्ति के दो बार में भी आउट नहीं कर पाए गेंदबाज। किंग कोहली ने फिर साबित कर दिया वही है क्रिकेट के रियल किंग, 73वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया, सचिन तेंदुलकर को इस मामले में पीछे हटाया। 2022 का अंत शतक से, 2023 का आगाज शतक से, वाह विराट वाह। जी साल की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि किंग कोहली साल के पहले ही वनडे मैच में बैक टू बैक दूसरा शतक लगा दें और पिछले वनडे में 113 और इस वनडे में भी 113 बनाकर लगातार दो शतक लगा दें। कोहली ने इस शतक के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 73वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है और साथ ही साथ वनडे का 45वां शतक ठोक दिया है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि विराट कोहली के इस शतक में उनसे ज्यादा श्रीलंका का हाथ है। कहीं ना कहीं कोई एक ताकत तो विराट कोहली के साथ खेल रही थी जो उनका साथ दे रही थी, नहीं तो विराट कोहली दो दो बार आउट हो चुके थे। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उन्होंने 45वां वनडे शतक ठोक दिया। तो विराट कोहली ने अपनी इस पारी में कौन कौन से नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये कि घर पर 20 वनडे सेंचुरी लगाने वाले विराट कोहली सचिन के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, यानी कि भारत में इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने ही 20 वनडे शतक लगाए थे। विराट कोहली ने 20 वनडे शतक लगाकर उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की श्रीलंका के खिलाफ लगाई गई 8 सेंचुरी के रिकॉर्ड को विराट कोहली ने तोड़ दिया। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 9वां वनडे शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया, यानी कि ये दो बड़े रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के बाद विराट कोहली दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 73 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं। तो एक साथ ये तीन तीन रिकॉर्ड बनाकर विराट कोहली ने ये साबित कर दिया है कि ये साल भी वो राज करने वाले हैं। जिस तरीके से साल 2015 से लेकर 19 तक उनका राज चला था, इसी तरीके से साल 2023 में भी विराट कोहली का ही राज चलेगा। और क्योंकि इसी साल अंत में वर्ल्ड कप भी होना है, इसलिए इससे अच्छी बड़ी खबर, इससे अच्छी खुशखबरी टीम इंडिया के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि विराट कोहली इस मैच में दो दो बार आउट हो चुके थे। एक बार जब वो लगभग 30 के आसपास खेल रहे थे, तब कसुन रजीठा की गेंद पर विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया। और इसके बाद जब 75-80 के आसपास खेल रहे थे, तब रजीठा की ही गेंद पर एक बार फिर से दसुन शनाका ने उनका कैच छोड़ दिया। ये दोनों ही कैच ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी कोई भी प्लेयर पकड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ कोई ना कोई अदृश्य ताकत तो थी जिसकी वजह से विराट कोहली ये सेंचुरी लगा पाए और बार बार आउट होने से बाल बाल बच गए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले विराट कोहली छुट्टियां मना रहे थे और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेने भी गए थे। शायद ये बाबा का ही आशीर्वाद था कि विराट कोहली को लगातार किस्मत का साथ मिलता गया और उनके दो बड़े आसान से कैच छूट गए और इसी वजह से विराट कोहली बाबा के आशीर्वाद के चलते अपनी 45वीं सेंचुरी लगा पाए। खैर जो भी हो, हम इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन ये तो लोगों का कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि विराट कोहली की इस सेंचुरी ने उनके फैंस को और भारतीय टीम के करोड़ों फैंस को गदगद कर दिया है। और जब सोचिए साल का आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना शानदार होगा। कैसे लगी आपको विराट की ये सेंचुरी, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।